श्री राम समर्थ अगस्त 27। संतोष वृत्ति का गुण है, देह का नहीं है। जो सर्वत्र श्री राम को व्याप्त देखेगा उसी को संतोष मिलेगा। जिस घर में संतोष होता है उसमें भगवान का निवास जानो। जो होता है सब भगवान की इच्छा से होता है, ऐसी यथार्थ भावना से जो मनुष्य एक वर्ष रहता है उसे संतोष की भावना क्या होती है वह समझ में आएगा। संतोष वृत्ति का गुण है, देह का नहीं है। गृहस्थी के बारे में कुछ भी न कहने वाला और अत्यंत संतोष व्यक्त करने वाला कोई मिले ऐसी इच्छा होती है। यदि ऐसा आदमी मिला तो संसार उसके पीछे दौड़ेगा। संसार में कोई संतोष दे नहीं सकता। संतोष के लिए निष्ठा की अत्यंत आवश्यकता होती है। पांडवों को वनवास में जो संतोष था वह राज्य पद पर आसीन कौरवों को नहीं था। अतः परमात्मा जैसे रखे उस स्थिति में सुख से रहे। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का कहना यही है कि जैसे अनंत यानी भगवान ने रखा हो वैसे ही हम रहे और चित्त में संतोष बने रहने दे। भगवान की देन सभी सृष्टि से प्रिय हो। पैसा भगवान की देन नहीं है, उससे बेचैनी और अतृप्ति होते हैं। सचमुच संतोष ही भगवान की देन है। मनुष्य के पास कितनी जायदाद होने पर उसे संतोष मिलेगा इसका कोई निर्धारित प्रमाण नहीं है। जो परिस्थिति है उसमें यदि संतोष माने तो उसके पास जो जायदाद होगी उससे उसे संतोष होगा। जिसके मन में संतोष की वृत्ति है उसका शरीर जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं होगा। संतोष को ही सच्चा महत्व है। लेने की अपेक्षा देने में ही अधिक संतोष है। लेने का तो कोई अंत ही नहीं होता। कितना भी मिले हमारी मांगने की वृत्ति कम नहीं होती, वह बनी रहती है। किंतु सब देने पर देने का अंत हो जाता है, इसलिए देने में संतोष है। हम प्रतिष्ठा से घेरे गए हैं। यदि प्रतिष्ठा का एक एक असत्य आवरण त्याग दे तो हमारा सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, तब हमें सच्चा संतोष प्राप्त होगा। सृष्टि का कर्ता राम है यह भावना निर्माण होना और वासनाओं का पूर्ण क्षय होना यानी वासनाओं की मृत्यु ही है। मनुष्य कोई न कोई हेतु रख कर ही कर्म करता है, लेकिन कर्म करते समय हर वक्त हर बात में भगवान की इच्छा से जो होना हो सो होता रहे ऐसा अनुसंधान बना रहे तो फल के बारे में सुख दुख नहीं होता। हम सब यह जानते हैं लेकिन ऐन मौके पर भूल जाते हैं। हमारे भीतर जब उर्मी उठती है तब उसे संयमित करें, सहे। दिया जब साथ ले जाते हैं तो अंधेरा गायब होता रहता है। उसी प्रकार अनुसंधान रूपी दीपक यानी दिया साथ में रखे तो हम अपनी उर्मियों को रोक पाएंगे। प्रत्येक का रोग अलग अलग होगा लेकिन दवा सबके लिए एक ही है और वह है भगवान का अनुसंधान। यह दवा चाहे अच्छे डॉक्टर से ली जाए या मामूली डॉक्टर से, रोगी का परहेज रखना तो अनिवार्य ही होता है। शास्त्र के अनुसार, सद्धर्म के अनुसार, अभ्यास के अनुसार बरत कर अनुसंधान में रहना चाहिए। अनुसंधान से जो सधेगा वह शतकोटि साधनों से भी नहीं सधेगा, और ऐसा यह अखंड नामानुसंधान ही सच्ची भक्ति है। आज का मुख्य विचार, अन्य साधनों से जो सधना है वह केवल अनुसंधान से ही सध जाता है, यही इस युग की महिमा है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।